अच्छा नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, हमने ना अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला कि उनमें से कुछ प्लांट्स को बोल दिया, हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को बोल दिया ये प्लांट्स एंड बाकी सबको हमने क्या बोल दिया ये एनिमल्स। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो मेजर कैटेगरी देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब आपको पता लगे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखी जाती है जो डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन के बाद एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बन जाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक वर्क दिया जाता है। तो आपसे अब मैं अगर पूछूंगा एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू का बना हो है ना, तो क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए हैं? बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पता क्या होता है? yes, क्या होता है बेटा? यही आप में गलती है, यही पे गलती है। आपको पता है रेस्पिरेशन का जो आप तक अभी तक आप समझते आए हो, एक्चुअली रेस्पिरेशन वो नहीं होता। आप लोगों को लगता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ऑक्सीजन अंदर गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, दैट इज योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसको नहीं बोलते, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट टर्म है। रेस्पिरेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने से अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करता है। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम। आपको क्लास 10th में बताऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 का मॉलिक्यूल बर्न किया जाता है। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ना, ये एक आग की भट्टी है जिसके अंदर ग्लूकोज को बर्न किया जा रहा है, और ग्लूकोज को बर्न करके हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करी जा रही है? एनर्जी। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो आप लोग समझते हो अभी तक कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन इनटेक कर ली, दैट इज जस्ट ब्रीदिंग, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। आपको इसका एविडेंस भी दूंगा, ये केमिकल प्रोसेस है, क्लियर है? ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस ऐसे थे जो कॉमन थे, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है, उनमें फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग का भी होता था। अच्छा डाइजेशन भी होती, डाइजेशन वैसे नहीं, डाइजेशन उनमें नहीं होती, डाइजेशन हमें होती है। तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में से कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, हमें भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही एक चीज को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह पे बनती है, पैरों तक में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर उसको शिफ्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहां तक? लंग्स। ऑक्सीजन लंग्स में आती है, पर उसको पूरी बॉडी में क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट। समझ आ गया? तो ट्रांसपोर्टेशन हमें भी देखी जाती है और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी देखी जाती है, एनिमल्स में नहीं, हमने एनिमल ही है, प्लांट्स में भी देखी जाती है। तो सारे लाइफ प्रोसेसेस कॉमन, मतलब काफी लाइफ प्रोसेसेस कॉमन होने के बावजूद भी हमारे में और प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ पैटर्न, बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ लिविंग एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें और प्लांट्स में एक तरह के टिश्यूज नहीं पाए जाते, इसे कुछ कारण है। तो हम पहला कारण देखते हैं बेटा, पहला कारण है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। अब अगर हम बात करें क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? बट हम मूव कर सकते हैं। अच्छा अगर प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब गर्मी सर्दी उनको एक ही जगह पे खड़े होके हर मौसम को सहना है, हर एक्सटर्नल फैक्टर को सहना है, हाँ या ना? तो उनके अंदर स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब देखो अगर वो गर्मी सर्दी बार धूप में खड़े होके बरसात में खड़े होके झेल रहे हैं तो उनपे क्या आएगा, मतलब डैमेजेस भी होंगे, तो उनमें मेंटेनेंस भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो उनके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उनकी मेंटेनेंस करने में और उनको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। आपको पता है प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड होते हैं। जो बाहर वाला जो बाग होती है ना, जो ट्री की आउटर बाग होती है, वो तो कम्प्लीटली डेड सेल से बनी होती है, कम्प्लीटली डेड होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता प्लांट को अगर आप उस पर हिट कर रहे हो या आप उस पर कटर मार रहे हो, बाहर वाली बाग क्योंकि डेड है बिल्कुल। समझ आ गया? तो most of the tissues inside a plant are dead because वो dead tissues उसको क्या provide करते हैं? उसको strength provide करते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे tissues भी होते हैं जो उसको maintenance provide करते हैं। अच्छा अगर हम animals की बात करें तो animal move कर सकते हैं? Yes. हाँ या ना? Yes. अच्छा अब हमें गर्मी सर्दी एक जगह पे खड़े होके नहीं सहने, इसका मतलब हमें external factors से नहीं सहने, तो हमें इतनी maintenance या इतनी strength की जरूरत नहीं है, पर हमें किसकी जरूरत है? Movements की। इसलिए हमारी body के अंदर क्या पाए जाते हैं? मसल्स। हमारे अंदर किस क्या पाया जाता है? मसल्स। हमारे अंदर मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। अब मसल्स प्लांट के पास नहीं होते। कभी देखा प्लांट ऐसे डॉलर दिखा रहा अपना, पर ऐसे तुम देखते हो ना लड़के यहाँ लगे हो जो जिम में फोटो फोटो डाल रहे है ना, क्यों? क्योंकि हमें मूव करना है। अब मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की विद द हेल्प ऑफ मसल्स, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, हमें मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं।
समझ आ गए। अब सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अगर प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उनमें स्पेशल तरह के टिश्यू प्रेजेंट होंगे जो उनको खाना बना के दे रहे हैं, मतलब उनके अंदर स्पेशल टाइप के क्या होंगे, सेल टिश्यू, मतलब सेल टिश्यू मतलब सेल ही है ना, टिश्यू इज जैसे ग्रुप ऑफ सेल, तो इसका मतलब उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होंगे जो उनको खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो टिश्यू हमारे अंदर है? नहीं है ना, तभी तो हम बना नहीं पा रहे। अगर हमारे अंदर वो टिश्यू होता तो हम अपना खाना खुद ना बना लेते। हम किस पर डिपेंडेंट है खाने के लिए? प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे? हो जा गया। हमारी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक होने के कारण हमारे अंदर वो स्पेशल टिश्यू क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। समझ आ गए। अच्छा, अब थर्ड जो फैक्टर है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ देखो, आपको पता है एक प्लांट होता है ना वो पूरी उम्र ग्रो करता है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज, सीड स्टेज से लेके, मैं बर्थ तो नहीं बोलूंगा, राइट फ्रॉम द सीड स्टेज, सीडलिंग स्टेज। आपको पता है सीड स्टेज भी नहीं होती, एक्चुअल प्लांट ग्रोथ की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती सीडलिंग। आपने कभी स्प्राउट्स देखे? Yes, जो स्प्राउट निकला होता है ना बाहर, उसको सीडलिंग बोलते। राइट फ्रॉम द सीडलिंग स्टेज टू द डेड स्टेज, मतलब जब हमने उसको प्लांट को काट दिया, उस स्टेज तक प्लांट ग्रो करता रहता है। प्लांट को जरूरी नहीं हम काट के मारते हैं, प्लांट कई बार अपने कारण भी, मतलब प्लांट कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी मर जाता है। उसको पानी नहीं मिला, मर गया। ठीक है, उसको निजार ठंड से प्लांट नहीं मरता भाई। एक क्वेश्चन, गर्मियों में ज्यादा लीव्स क्यों होते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं होते? हाथ खड़े करने हैं। गर्मियों में प्लांट्स में ज्यादा लीव्स होते हैं एज कंपेयर टू सर्दियां, व्हाई? एनीवन? हां स्वामी, गर्मियों में सनलाइट ज्यादा। हाँ तो क्या, इससे क्या होता है? तो सर्दियों में भी तो सनलाइट होती है भाई, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है, सनलाइट तो कभी कभी फिर भी आती है। सर्दियों में प्लांट खाना मैंने सुना ना ना, मेरा मूड नहीं आया, आज मैं धूप सेकूंगा, आज मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के धूप सेकूंगा, आ जा आ जा आ जा साथ में प्लांट का, आ जा भाई चाबी से सुना से फिर अखबार में निकलवा दुबई की किसी ने सुनो ध्यान से। अब देखो गर्मियां होती है ना, गर्मियों में देखो हम तो गर्मियों में अंदर आ जाते हैं, शेल्टर में आ जाते हैं, एसी चला लेते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो। मैंने बोलो बेटे बोलो, आप बोलो। जो प्लांट्स होते हैं लीव्स ज्यादा होती है ताकि जो धूप आती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नहीं, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। देखो ध्यान से, अब गर्मियों में ज्यादा लीव्स इसलिए होती है बेटा क्योंकि देखो आपने एक प्रोसेस पढ़ा ट्रांसपिरेशन, सुना पड़ा हुआ है, सुना हुआ है। अच्छा देखो, जैसे इवेपोरेशन होती है ना, इवेपोरेशन क्या होती है, पानी पड़ा हुआ था, पानी बन के उड़ गया। अब प्लांट जब इवेपोरेशन करते हैं ना अपनी लीव से, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अच्छा इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट कॉज करता था, कूलिंग इफेक्ट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करके अपने आप को ठंडा रखते हैं। भाई बाहर गर्मी है 45 डिग्री की, आप तो मूव करके एसी के आगे बैठ जाते हो, प्लांट जरा क्या करे, प्लांट अपने आप को ठंडा करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है, जहां पे पानी होगा, प्लांट पे पानी कहाँ होता है, लीव्स में, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लीव्स उगाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ट्रांसपिरेशन। हाँ या ना, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी तो ज्यादा क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट, प्लांट ठंडा रहेगा। अब सर्दियों में ऑलरेडी बाहर क्या है, अगर ट्रांसपिरेशन होगी तो वो और ठंडा हो जाएगा, मर जाएगा, तो अपने लीव्स को झाड़ देता कि भाई मुझे आपको हमारी जरूरत नहीं, चलो झड़ जाओ। हाँ क्या गर्मियों वाला, और चला दोबारा समझा दो, क्या दोबारा समझा दो, ध्यान दे रहा पेन में मैंने समझाऊंगा, एफर्ट्स करेगा तो मैं तेरे लिए एफर्ट्स करूंगा, ध्यान दे रहा नीचे था गर्मियों वाला, दोबारा समझा दो, बैठ सीधे ढंग से बैठ। देखो गर्मियों में समझा देता हूँ, क्या क्या भाई, और मैंने क्या बोला था, हाँ 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 देखो हम लोग तो मूव कर जाते हैं, जैसे बाहर धूप आती है तो हम लोग अपने आप को शेल्टर में ले आते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बट प्लांट्स को एक ही जगह पे खड़े होना, ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं अपने लीव्स के थ्रू पानी को इवेपोरेट करते हैं। जब एक प्लांट अपने लीव्स के थ्रू पानी को इवेपोरेट करता है ना, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बेटा पानी नीचे जमीन से आता है, जो तो पानी मिट्टी में डालता है ना, तो जो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि प्लांट्स ना अपने रूट्स के थ्रू पानी को खींच लेते हैं
और वो खींच के ट्यूब के थ्रू अपने लीफ में ले आते हैं। तो लीफ में पानी आ गया, जब लीफ में पानी आया तो अब वहां पर जो पानी होगा वो वेपोरेट करेगा। वेपोरेट प्लांट की लीफ से होने वाली वेपोरेशन को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और वेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा लीव्स होंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ट्रांसपिरेशन। और ज्यादा ट्रांसपिरेशन का मतलब ज्यादा कूलिंग इफेक्ट। तो प्लांट बाहर धूप में भी सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा देखो, उसी प्लांट का हमें भी फायदा, हम छांव में आएंगे तो हमें क्या मिलेगी? थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। हाँ या ना? क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं? इसलिए नहीं है। अच्छा आगे देखो, प्लांट्स अपनी पूरी उम्र ग्रो करते हैं, बट हमारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो एक लाइफ, वो एक मेच्योरिटी तक ही ग्रो करते हैं। आपको पता है ना 18 साल के बाद उम्र नहीं बढ़ती। ओह माय मिस्टेक, 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, समझ आ गया? और फैक्टर्स आ जाते क्या बेटा? तेरी तो हरकतें जल्दी रुकने वाली तेरी नहीं, वैसे चांसेस कम है, दाढ़ी मुझ तो भी आएगी नहीं। मतलब दाढ़ी दिखनी नहीं, मतलब वहां पे ना वो भी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, नहीं वहां पे तो क्या कहते हैं यार, एक निशानी नहीं है, मतलब बाल आने के भी अमीर भी लग रही, पंचायत से भी लग रही। बेटा 9th में मेरी ना इससे 3 गुना दाढ़ी थी। गोलगप्पे खाता है ना? गोलगप्पे खाता है, खट्टा खाता है, तभी दाढ़ी नहीं आती। तो बता, खट्टा खाने से, खट्टा खाने से हमारे अंदर एक जो बेसिकली मेल और फीमेल के अंदर ना अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो खट्टा खाने से वो मेल हार्मोन कम होता है, फीमेल हार्मोन बढ़ता है। लड़कियों को खट्टा खाना चाहिए, वो खाने भी आजकल गोलगप्पे की दुकान पे 10-10 लड़के खड़े होते हैं। भाई गोलगप्पे खट्टे वाला लेना, भाई खट्टा कम मीठा डाल देना, भैया मीठा कम खट्टा डाल देना, भैया नींबू डाल दो नींबू। भाई बस कर, मैं हफ्ते में पहले कई टाइम था मेरा, जैसे अब तो मैं मैच्योर हो रहा हूँ, तो हफ्ते में एक आधी बार ही हो गया था, नहीं तो 15 दिन में एक बार। मतलब हाँ 10-20 रुपए के गोलगप्पे खाने चाहिए, हाजमा वगैरह ठीक रहता है। ठीक है ना? चलो ऑफिस पे आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी उम्र ग्रो करते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो आपको एक एज ग्रो करते हैं, उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। इसलिए उनके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो पूरी उम्र उनको करते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड एनिमल्स के अंदर वो टिश्यू नहीं होते। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, बट एनिमल्स में, प्लांट्स में ये ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स को भी देखो, अपना खाना खुद बनाना, सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो ना उनको पेट की जरूरत है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत है, ना लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत है, ना ही वो यूरिन करें, समझ आ गया? तो वो कुछ तरह इस तरह का वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते, ना वो दवाई खाए, ना वो बीमार तो लोग होते हैं प्लांट्स, बीमारियां लग जाती है उनको भी, बट उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो हमारे से बहुत ज्यादा सिंपल। अगर सिंपल है तो उनको टिश्यू भी क्या चाहिए होंगे? सिंपल। हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स।